हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रेजी ज्ञान पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ रियलमी 6 स्मार्टफोन की न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, हाल ही में यहाँ पर रियलमी ने कुछ दिनों पहले अभी जो है रियलमी 6 और रियलमी 6i के लिए जो B.49 की न्यू अपडेट जो है रोलिंग आउट स्टार्ट कर दी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी को इसी अपडेट के बारे में फुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि ये जो अपडेट है ये आपको कब तक देखने को मिल जाएगी और इसी के साथ इस अपडेट में आपको क्या कुछ नए फीचर जो वो देखने को मिल जाते हैं और इस अपडेट की जो टोटल साइज कितनी होने वाली है। तो फ्रेंड्स, पूरी डिटेल्स जानने के लिए आप जो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी मैं जो है रियलमी 6 डिवाइस का यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ से जो अपने डिवाइस की सेटिंग्स को जो ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ और एक बार फ्रेंड्स आपको जो अपने डिवाइस की सॉफ्टवेयर अपडेट में जाना है और यहाँ से जो अपडेट को चेक कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी बहुत सारे यूजर्स हैं जिनको कि B.49 की अपडेट नहीं मिली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको जो वीडियो के लास्ट में मैन्युअली अपडेट किस तरह से करना है उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको जो सबसे पहले अपडेट के फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ से जो एक गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं और इसी के साथ यहाँ पर आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए मैं इसे यहाँ से जो ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जो रियलमी 6 न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट इस तरह से टाइप कर देना है और इसे जो यहाँ से सर्च कर देना है। तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं आपको realme.com की एक वेबसाइट मिलेगी। तो आपको सिंपली यहाँ पर जो क्लिक कर देना है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो रियलमी की एक ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर रियलमी अपने जितने भी डिवाइसेज हैं उन सभी के सॉफ्टवेयर आपको जो अवेलेबल करवा देती है। तो चलिए मैं यहाँ से जो स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं realme 7i डिवाइस आ चुका है और नीचे आप देख सकते हैं realme Narzo 20 आ चुका है। तो चलिए मैं यहाँ से जो जल्दी से जो realme 6 डिवाइस को जो ढूंढ लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपकी रियलमी के किसी भी डिवाइस को लेकर कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो फ्रेंड्स आप मुझे जो है डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रियलमी 6 डिवाइस आ चुका है और यहाँ पर रियलमी UI वर्जन की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1.0 है और यहाँ पर अपडेट वर्जन की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं B.49 की न्यू अपडेट यहाँ पर हमको जो मिल चुकी है। और इसी के साथ यहाँ पर रिलीज टाइम की बात करें तो आप देख सकते हैं 10/11/2020 को कंपनी ने ये जो अपडेट है ये रिलीज़ कर दी है। तो यहाँ पर मैं आपको जो सबसे पहले अपडेट के फीचर्स के बारे में बता देता हूँ और उसके बाद मैं आपको मैन्युअली अपडेट के बारे में बताऊँगा। तो चलिए मैं यहाँ पर जो अपडेट लॉग पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं, सबसे पहले अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अपडेटेड एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच October 2020। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कंपनी ने जो October 2020 का न्यू सिक्योरिटी पैच हमको जो प्रोवाइड कर दिया है। और इसी के साथ यहाँ पर नीचे अगर हम सिस्टम की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्टिमाइज द प्रोबेबिलिस्टिक फ्रीजिंग इश्यू एंड इम्प्रूव्ड द सिस्टम स्टेबिलिटी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कभी कभी जो रियलमी 6 डिवाइस है ये जो ऑटोमेटिक वर्क करना बंद कर देता था और कुछ सेकंड्स के लिए जो स्टॉप हो जाता था। तो यहाँ पर ये जो इश्यू है इसको भी कंपनी ने यहाँ पर फिक्स कर दिया है। नीचे यहाँ पर अगर हम सेटिंग्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एडेड फ्रॉम सनसेट टू सनराइज टॉगल फॉर आई कम्फर्ट। तो अगर आप जो है ज़्यादा स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं तो ये फीचर जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जब आप जो सनसेट टू सनराइज का एक ऑप्शन आपको जो सेटिंग्स में देखने को मिल जाएगा, अगर आप इसे यहाँ से इनेबल कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स जब जो है नाइट टाइम हो जाएगा तो आपकी जो डिस्प्ले है वो जो वार्म हो जाएगी, यानी आपको येलोइश कलर देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स दिन के टाइम पर ये जो ऑप्शन है ये ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा और नाइट टाइम पर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की बात करें तो आप देख सकते हैं एडेड ए टॉगल फॉर डिस्प्लेइंग कीबोर्ड वेन एंटरिंग ऐप ड्रॉवर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब आप सेटिंग्स में जाएंगे और डिस्प्लेइंग कीबोर्ड का जो ऑप्शन है इसे इनेबल करेंगे तो वहाँ पर जब भी आप जो ऐप ड्रॉवर को ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको जो ऑटोमेटिकली कीबोर्ड का ऑप्शन जो शो करेगा कुछ भी ऐप्स को सर्च वगैरह करने के लिए। इसी के साथ यहाँ पर नीचे अगर हम ब्लूटूथ की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एडेड ब्लूटूथ ईयरफोन आइकन इन फोन कॉल इंटरफेस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब भी आप इसे अपडेट करने के बाद किसी को भी कॉल करेंगे तो वहाँ पर आपको जो है ब्लूटूथ ईयरफोन का आइकन जो वहाँ पर शो करेगा। इसी के साथ लास्ट में आप यहां पर देख सकते हैं रियलमी लैब में क्या कुछ चेंजेस किया है, ऑप्टिमाइज द इंटरफेस ऑफ रियलमी लैब। तो फ्रेंड्स यहां पर जो रियलमी लैब है इसका जो इंटरफेस इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज कर दिया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो रियलमी 6 के कंप्लीट फीचर्स की बात हो चुकी है। चलिए अब मैं आपको जो मैन्युअली अपडेट के बारे में बता देता हूं। तो फ्रेंड्स यहां पर अगर आपको जो OTA अपडेट रिसीव नहीं होती है तो आप यहां पर 3-4 दिन का वेट कर सकते हैं, आपको जो अपडेट रिसीव हो जाएगी। अगर आपको जो जल्दी अपडेट लेनी है तो आपको यहां पर 3.18 GB की जो टोटल फाइल है इसको यहां से जो डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको ये जो येलो कलर का डाउनलोड बटन है यहां पर आपको क्लिक कर देना है और इसे यहां से कन्फर्म करके डाउनलोड कर लेना है। तो फ्रेंड्स जैसे जो कंप्लीट फाइल डाउनलोड हो जाती है इसके बाद में आपको फाइल मैनेजर में जाना है और वहां से उस फाइल पर क्लिक करके मैन्युअली अपडेट कर लेना है।
तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको क्लियरली बता दूँ, अगर आप डिवाइस को मैनुअली अपडेट करते हैं तो इससे आपका जो डिवाइस है ये रिसेट नहीं होगा और ना ही आपका कोई जो डेटा है वो इरेज होगा, तो आप इसे जो इजीली मैनुअली अपडेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की स्टूडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ साथ कमेंट भी कर दीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रेजी ज्ञान को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।